धन्यवाद शशिकांत सर, बहुत दिनों के बाद हम दोनों एक साथ माइक्रोफोन पे बैठे, इसका कारण अलग है। आप एक धक्के से गुजरे हैं, हमारी भावना आपके साथ है। फिलहाल इस टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए हम धन्यवाद सभी श्रोताओं को मंगेश मडगांवकर की ओर से हार्दिक स्वागत। इस टूर्नामेंट की पहली मैच क्वालिफाई, पहली मैच होने जा रही है। अंपायर का इशारा आ चुका है चंदन तस्कर और जी सेवन स्ट्राइकर के बीच में। चंदन तस्कर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी की दावत दी गई है जी सेवन स्ट्राइकर को। काफी बढ़िया माहौल, बढ़िया आयोजन, कानकुन म्युनिसिपैलिटी चैंपियन, तारीफ करने जैसा आयोजन किया है। मनगन पाने फण यूथ, तारीफ फैमिली ने। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, उतनी खूबसूरती से उस गेंद को मोड़ दिया है पॉइंट की दिशा में। डीप कवर का फील्डर आके उस गेंद को गैदर करे, तब तक एक रन लेने का, सॉरी दो रन लेने का मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास। और इस दो रन के साथ आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। खाता तो खोल चुके हैं दो रनों के साथ बल्लेबाज। प्रवेश, इस बार बढ़िया गेंद प्रवीण की, ब्लॉक ऑल लाइन गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे, बीट हो गए। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है प्रवीण ने। काफी बढ़िया विकेट है बल्लेबाजी के लिए, अनुकूल जैसी विकेट ये बनाई है। फिलहाल फिर एक बार अपने आपको संभालते हुए राइट आर्म और द विकेट, फुल टॉस गेंद खेल दिया है सीधे बसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर वहां मौजूद है सुनील के रूप में और सुनील ने कोई गलती नहीं की, प्रवेश चले गए हैं। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, धीमी गति की गेंद थी ये और उस गेंद को खेलना चाहते लॉन्ग ऑफ की दिशा में, असफल है। सीधी गेंद चली गई है लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के दस्तानों में और पहला झटका लग चुका है जिस समय स्ट्राइकर को प्रवेश के रूप में। सिर्फ दो रन निकाले थे पॉइंट की दिशा में पहली गेंद पर, उसके बाद डॉट और डॉट के बाद खेलने के नाद में कैच आउट हो चुके हैं और पहला झटका लग चुका है जी सेवन स्ट्राइकर को प्रवेश के रूप में। मेरा साथ देने के लिए बैठे हैं स्कोर बोर्ड पर विनोद। यूट्यूब के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट से, सॉरी गोवा टेलीकास्ट से। माइक्रोफोन पे मेरा साथ दे रहे हैं शशिकांत सर, दो ही अंपायर, गोवा क्रिकेट मान्यता प्राप्त अंपायर। एक तो सफलता प्राप्त की है, नए बल्लेबाज आए धीरज पिला, नौ स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे और फिर एक बार तैयार प्रवीण। बढ़िया गेंद दीपा के थोड़ी सी नीचे रही, उस गेंद को देखा रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करते हुए मोड़ा है कवर की दिशा में, खुद खुशवंत वहां मौजूद थे, गैदर किया गेंद को, तब तक मौका था दो ही बल्लेबाजों के पास एक रन चुराने का, एक रन चुरा भी लिया है। अब स्ट्राइक आया धीरज के पास, नए बल्लेबाज है पहली गेंद का सामना करेंगे। दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, चंदन तस्कर की लॉन्ग ऑफ पॉइंट कवर डीप एक्स्ट्रा कवर पर रही है गौरव और गली फाइन लेग स्क्वायर लेग और मिड विकेट। ये फील्डिंग की सजावट पहले ही रिवर्स पेप में आ चुकी थी, टिप्पा की हल्की सी उछाल, छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी। बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की। अब तक तो बढ़िया गेंदें फेंकी है प्रवीण ने, पहली ओवर आज के दिन की फेंक रही है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय चंदन तस्कर का, एक सफलता प्राप्त की है पहली ओवर में प्रवीण ने। बढ़िया खेलने की कोशिश, ठीक से बल्ले पे आई नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है गेंद ने, गेंद चली गई है कारपेट के सहायता से मिड ऑन की दिशा में। एक रन तो चुरा लिया है, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर चला गया है चार रन पर, एक विकेट चली गई है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज चले गए। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और पहली ओवर खत्म होने के बाद, बड़ी ओवर खत्म होने के बाद, कंजूसी की ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है चार रन एक विकेट खोकर।
जी सेवन स्ट्राइकर का। दूसरी बॉल लेके आए चंदन तस्कर की ओर से। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, बढ़िया बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में नरेंद्र। और स्ट्राइक पर है धीरज। धीरज ने खिलाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे सीधी चली गई है फील्डर के दस्तानों में और दूसरा झटका लग चुका है जी सेवन स्ट्राइकर को धीरज के रूप में। धीरज वापस जा रहे हैं पेविलियन में। अब धीरज का स्थान ग्रहण करने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज अक्षय। फिलहाल नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया अमन के पास। दो ही बड़े बल्लेबाज है, पहले दिन तो ज़्यादा कुछ करिश्मा नहीं कर पाए थे अक्षय भंडारे। उसके बाद कल का दिन जो तीन मैचेस जो कल खेले हैं अक्षय ने और तीन ही मैचों में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। फिलहाल सफलता के बाद फिर एक बार तैयार नरेंद्र अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट अमन कोमर पंत के लिए। आते आते सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, गेंद सीधी आ गई है पेविलियन के अंदर और छक्के के रूप में उस गेंद को तकदील किया है। धीमी गति की गेंद थी, हल्की सी ऑफ स्टंप पर थी, बढ़िया टाइमिंग के साथ स्ट्रेट ड्राइव के रूप में उस गेंद को मोड़ दिया है अमन कोमर पंत ने छक्के के रूप में सीधी पेविलियन के अंदर और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया है डबल फिगर। डबल फिगर 10 रन पर। मेरे साथ स्कोर बोर्ड पे बैठे विनोद चूसते क्विक स्कोरर है। फिर एक बार नरेंद्र अपने आप को संभालते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गुरु प्रदेश टेंपल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंद टिपा के थोड़ी सी नीचे रही, उस गेंद को देखकर कलाई का इस्तेमाल करते हुए कवर की दिशा में खेला है प्रवीण वहां मौजूद थे। जब तक प्रवीण उस गेंद को गैदर करे तब तक मौका है एक रन चुराने का। एक रन चुरा भी लिया है, एक रन का इजाफा हो चुका है जी सेवन स्ट्राइकर के खाते में। अब स्ट्राइक है अक्षय भंडार के पास। काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, कल के दिन तो आक्रामक रूप धारण किया था अक्षय ने। तीन मैचेस खेले तो तीन ही मैचेस में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए थे। फिलहाल पहले ही गेंद का सामना करेंगे। बढ़िया गेंद नरेंद्र, काफी बढ़िया गेंद, उसी दिशा में उस गेंद को मोड़ा है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन तो चिरा लिया है और एक रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाबी हासिल की है अक्षय भंडारी ने। स्कोर हो चुका है 12 रन, दो विकेट चले गए हैं प्रवेश और धीरज वापस चले गए हैं पेविलियन में। धीमी गति की गेंद, छेड़छाड़ की करने की कोशिश की जरूरत थी, उस गेंद को समझने में नाकामयाब रहे और क्लीन बोल्ड हो चुके हैं अमन कुमार पंत। धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी अमन ने, असफल रहे समझने में उस गेंद को और क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। दूसरी सफलता मिल चुकी है नरेंद्र को इस ओवर में और तीसरा झटका लग चुका है जी सेवन स्ट्राइकर को अमन कुमार पंत के रूप में। अमन कोमर पंत जो काफी अच्छे बल्लेबाजी करने में माने जाते हैं वो वापस जा रहे हैं पेविलियन में। बड़ा मैच है, ज्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए अपने टीम के लिए, सिर्फ एक छक्का तो लगाया था, एक बाउंड्री तो लगाई थी अमन ने स्टेट ड्राइव के रूप में।
उसके बाद थोड़े से लड़खड़ाए और वापस चले गए पेवेलियन में क्लीन बोल्ड होकर। अब अमन का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज, पहली गेंद का सामना करेंगे योगेश, और दो सफलता मिली है, काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है नरेंद्र ने। बल्लेबाजी के साथ ही साथ बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाते हैं नरेंद्र। बढ़िया गेंद खेलने की कोशिश, शरीर को टकराई जरूर है गेंद, रन तो चुरा लिया है शॉर्ट लेग पर, अंपायर दामो नाइक का इशारा आ चुका है लेग बाय के रूप में, रन जुड़ जाएगा जिस समय स्ट्राइकर के खाते में। और इस लेग बाय के साथ ही साथ दूसरी ओवर सफल ओवर समाप्त हो चुके हैं नरेंद्र की, और दूसरी ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 13 रन। एक पाबंदी लगाई है जिस समय स्ट्राइक करो पर चंदन तस्कर ने, टॉस जीती है चंदन तस्कर ने और पहली उतरे है गेंदबाजी के लिए इस ग्राउंड पर। और सफल गेंदबाजी करते हुए दो ओवर फेंके और चार, और जो अब तीसरी ओवर पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए बैटिंग पावर प्ले, अंपायर मेन अंपायर का इशारा आ चुका है आनंद कदम का, तजुर्बेबंद अंपायर है ये, गोवा क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त अंपायर है और अक्सर कानकुन में अंपायरिंग करते हैं, कानकुन के हर एक खिलाड़ी को जानते हैं। बढ़िया तजुर्बा और इशारा आ चुका है बैटिंग पावर प्ले का मेरे सहयोगी जो मनोरंजन के बादशाह कहते हैं कानकुन में। प्रवीण देसाई भी यहां पहुंच चुके हैं मेरा साथ देने के लिए। दो ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 13 रन। प्रवेश धीरज अमन और बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, तेज गेंद टिप्पा की हल्की सी उछाल जरूर मिली थी, कोई मौका नहीं था बल्लेबाजों के पास उस गेंद को खेलने का, डॉट में निकालने में कामयाबी हासिल की है। पावर प्ले का इस्तेमाल किया है, सर्कल में खिलाड़ी है, शॉट ऑफ कवर एक्स्ट्रा कवर पॉइंट गली खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। कुशवंत वहां मौजूद है, एक ही रन मिलेगा योगेश को एक रन के साथ, और एक रन का इजाफा हो चुका है जी सेवन स्ट्राइकर के खाते में, स्कोर हो चुका है 14। तीन विकेट चले गए हैं अमन कुमार पंत, धीरज और प्रवेश, ये तीन ही बल्लेबाज वापस चले गए हैं पेवेलियन में दो ओवर खत्म होने के बाद। तीसरी ओवर तो प्रगति पर है, एक गेंद तो हो चुकी है गौरव सावंत की पावर प्ले की, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को डीप एक्स्ट्रा कवर पर भेजा और डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को स्क्वायर यानी सर्कल के अंदर बुलाया गया है। पहले ही आगे चले गए थे, कीपर को भी चेक मार दिया गेंद और गेंद चली गई है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए, और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, कुल मिलाकर 5 रन जुड़ चुके हैं जी सेवन स्ट्राइकर के खाते में बोनस के रूप में। वाइड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और उछली भी गेंद, कीपर को भी चकमा दिया और थर्ड मैन की दिशा में चली गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर। 5 रनों के साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर चला गया 19 रन। बड़ी गेंद, तेज गेंद, जोरदार अपील भी, लेकिन अंपायरों पे कोई असर नहीं, उस गेंद को देखते रह गए अक्षय, टिप्पा की खाके इतनी तेज चली गई है, चकमा दिया बल्लेबाज अक्षय को, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की। लंबे गेंदबाज है, लंबे और बड़े चुस्त गेंदबाज हैं और इसी का फायदा उठाते हैं, तेज फेंकते हैं गेंद। बार गेंद चली गई है स्क्वायर कट के दिशा में, गेंद जा रहे हैं सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए, ऑफ स्टंप की थोड़ी सी बाहर थी गेंद, उस गेंद को छेड़छाने की, बल्ले का भारी किनारा लिया, स्क्वायर कट के रूप में खेल दिया उस गेंद को और गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। फील्डर को भी चकमा दिया और चौके के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि हो चुकी है, स्कोर हो चुका है 23। 3 विकेट खो चुके हैं। तीसरी ओवर जो पावर प्ले की फेंक रहे हैं गौरव सावंत, इस ओवर में थोड़ी सी तो वृद्धि हो चुकी है स्कोर में।
फिलहाल अगली गेंद हल्की सी शॉर्ट और स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ दिया उस गेंद को अक्षय ने 6 रनों के लिए। हल्की सी उछाल मिली थी और उस उछाल का फायदा उठाते हुए अक्षय भंडारी मोड़ने में कामयाबी हासिल की है स्क्वायर लेग अंपायर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। और छक्के के साथ ही साथ स्कोर आगे चला गया, यानी स्कोर चला गया 29-29 लॉस ऑफ 3 विकेट। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था, दो और तो सफल फेंके थे प्रवीण और नरन ने, उसके बाद पावर प्ले का इस्तेमाल। बढ़िया गेंद, ब्लॉको लाइन गेंद, रक्षात्मक ढंग का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है गौरव ने अक्षय को। और इस डॉट के साथ ही साथ तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और तीसरे ओवर खत्म होने के बाद 3 विकेट खोकर G7 स्ट्राइकर्स ने 29 यानी 29 रन बटोरे, आसपास 10 के औसत से जा रहे हैं स्ट्राइकर्स। चंदन तस्कर ने और आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए G7 स्ट्राइकर्स को। वीडियोस के लिए चंदन तस्कर ने करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत। काफी बढ़िया माहौल, बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट का, मनगन पानेपन यूथ तारीफ फैमिली के माध्यम से बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट का। चौथी बॉल लेके आए कुशवंत, अक्सर बढ़िया गेंदबाजी फेंकते हैं, फ्लाइटेड गेंदबाजी फेंकते हैं और उस फ्लाइटेड गेंदबाजी में हल्की सी स्पिन भी मिलती है। शायद चौथी बॉल लेके आए फ्लाइटेड गेंद, टिप्पा के हल्की सी स्पिन मिलती हुई ऑफ स्टंप पर खेलने की कोशिश की थी योगेश ने, चकमा दिए दिया बल्लेबाज को इस गेंद ने, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है कुशवंत ने। फिलहाल फिर एक बार तैयार राइट आर्म और द विकेट कुशवंत, इस बार भी फ्लाइटेड गेंद, पहले ही ऑफ स्टंप पर आ चुके थे योगेश, समझ नहीं पा रहे कुशवंत को जिस तरह से कुशवंत गेंदबाजी कर रहे हैं इस विकेट पर। अभी भी ये विकेट थोड़ी सी धीमी है और फायदा मिलेगा कुशवंत को। और सही दो जो गेंदे फेंकी है फ्लाइटेड गेंदे फेंकी है, टिप्पा के हल्की सी ऑफ स्टंप पे जा रही है। मेरे साथ माइक्रोफोन पे बैठे हैं मेरे सहयोगी शशिकांत सर, सब देख रहे हैं, क्रिकेट का तजुर्बा है, बढ़िया कॉमेंट्री कर चुके हैं कानकुन और कानकुन के बाहर भी बढ़िया कॉमेंट्री कर चुके हैं शशिकांत सर। शशिकांत सर, इस जो कुशवंत जो गेंदबाजी कर रहे हैं इस विकेट पर, फ्लाइटेड गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हेलो कुशवंत, आप लोग फुल्ड बॉल परत एक फाउट ऑफ स्टंपाच्या बाहेर आणि बाहेर गेलं बॉल एक वायडाच्या रूपाने एक अतिरिक्त रन। कुशवंत जर पळोवपावत जर ड्राय पीच जर असत जर दंपाची सेशनां जर बॉलिंग जर करपाची जाल्यार कुशवंत हो एक फसवो बॉलर आसा। तो बॅट्समनाक लालच दिता की फुडें येवन खेळपा खातीर बॅट्समनाक तो मजबूर करता आणि जेन्ना ओवर पीच डिलिव्हरी तो फुडें घालता तेन्ना बॅट्समन फुडें येवचो हो एक त्याचा उद्देश असता आणि बॅट्समनाक लालच दिता फुडें येवन खेळपा खातीर। पण तेतूंक जो योगेश जो असा दोन बॉल मिस झाला, एक सुंदरशी बॉलिंग असली पिचीचेर कुशवंत घालता। सही आहे शशिकांत सर, आमंत्रित करते और फ्लाइटेड गेंद पर खेलने की कोशिश की, बड़े ऊपर किनारा लेकर गेंद चली गई गली की दिशा में और अक्षय भंडारी के विकेट का पतन हो चुका है। अक्षय भंडारी वापस चले गए है पेविलियन में। मंजूश पळय की एक अक्षय भंडारी जो एक ह्या टुर्नामेंटाक बरो फुडें सरतालो। अक्षय भंडारी जर पळोवपाक वचत जर काल तेणें एक 50 रनाची एक सुंदरशी खेळी केल्ली आनी काल ज्यो तिनूय मॅची जाल्यो त्या तिनूय मॅचीचो जैतवंत जो मॅन ऑफ द मॅच जो आसा तो अक्षय भंडारी आसा। अक्षय भंडारी बॅक टू द पॅवेलियन एक मोठो धक्को जो आसा तो G7 लागिल्लो असो म्हाका दिसता। एक सुंदरसो काणकोणचो एक बरो खेळगडी अमन कोमरपंत बॅक टू द पॅवेलियन, अक्षय भंडारी बॅक टू द पॅवेलियन, अशे तरेन एक मोठ्या टार्गेटा कडेन वतना आनी एक मोठी मॅच जी आसा क्वॉलिफायर नंबर 1 जो जिंकतलो तो फायनलीक पावतलो ह्या मोठी मॅचीक G7 एक जबाबदारी जी अमन कोमरपंताचेर अक्षयाचेर आशिल्ली। हे दोनूय बॅट्समन जे आसात ते पॅवेलियनाक वतात, म्हाका दिसता अजून पर्यंत जर पळोवपाक वचत चंदन तस्कर ह्या क्वॉलिफायर 1 मॅचीक भारी ठरले दिसता म्हाका। बराबर है शशिकांत सर, और ज्यादा तो इस ओवर में मैंने देखा है आमंत्रित करते हैं बल्लेबाजों को कुशवंत और उसके जाल में फंस जाते हैं बल्लेबाज। फिलहाल और एक फ्लाइटेड गेंद, इस बार कोई गलती नहीं की है, एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल की है योगेश ने, छक्के के रूप में उस गेंद को तकदील किया है।
गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, और छक्के के साथ ही साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 37। अब तक तो बढ़िया गेंदबाजी फेंकी थी खुशवंत ने, तारीफ करने जैसी गेंदबाजी की थी, लेकिन जो अब गेंद फेंकी थी उस गेंद पर छक्का लगाया है। इस बार भी फ्लाइट गेंद खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे, सुनील के रूप में रोक लिया है गेंद को, मौका था कैच पकड़ने का लेकिन असफल, एक तब तक का मौका था एक रन चुराने का, एक रन चुरा लिया और एक रन के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 38 रन। 4 विकेटें तो चले गए हैं, बड़ी विकेटें वापस चली गई है पेविलियन में। या टूर्नामेंट जो लाइव टेलिकास्ट जे चलता ते लाइव टेलिकास्ट जे स्पॉन्सर आसा ते आमचे रमाकांत नाईक गांवकर माजी नगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिका आनीक शांबा देसाय या दोघांच्या जोड पावलान जे लाइव टेलिकास्ट जे आसा ते चलता। रमाकांत नाईक गांवकर माचेर पावलात, काल खंय जेंका खेळ्ळे तेंचे लक काल बरे आशिल्ले, काल जे या टुर्नामेंटाक ज्यो टिमी खेळटाल्यो तेंचे लक बरे आशिल्ले, आज म्हाका खबर ना कशें लक आसा तें। कालची टिमी ज्यो जिकिल्ल्यो त्यो प्रत्येक टिमीक 2,000 रुपया एक्स्ट्रा बोनस मेळिल्लो। जो रमाचो पूत जो आसा तेजो राती बर्थडे जालो 21वो, आनीक तेज्या बर्थडे निमतान कालच्या टिमीक जी आसा लॉटरी लागली, आयच्या टिमीक घडयेक सेमी लॉटरी लागता काय कितें मागीर पळय। आतांच रमा हांगा पावला तुमकां ह्या माचे वयल्यान परबी। धन्यवाद शशिकांत सर, सही पेवलियन में बैठे हुए अतिथि और आप सब भी दर्शकों का फिर एक बार मंगेश मडगांवकर की ओर से स्वागत। पांचवी बॉल लेके आए नए गेंदबाज और स्ट्राइक आया है योगेश के पास, राहुल है गेंदबाज और योगेश ने खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन का फील्डर आके उस गेंद को गैदर करे, मौका है एक रन चुराने का और एक रन के साथ हो चुका है स्कोर 39। 4 विकेटें वापस चली गई हैं पेवलियन में, बढ़िया आयोजन किया है इस टूर्नामेंट का, तारीफ करने जैसा आयोजन हुआ है यहाँ पर। फिलहाल 4 विकेटें खो चुके हैं G7 स्ट्राइकर, लेफ्ट अब आए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विश्वजीत बंटी से, बंटी के नाम से जाने जाते हैं कानकोना में, चुस्त खिलाड़ी है, बड़ी गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं। फिलहाल पहले गेंद का सामना करेंगे और गेंदबाज है राहुल, पहली गेंद राहुल की काफी बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, उस गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश की थी, बल्ला और गेंद के बीच बातचीत नहीं हुई, डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है राहुल ने। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी के लिए फील्डिंग में परिवर्तन भी होते हुए लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट मिड ऑन और फाइनली ये है फील्डिंग की सजावट की है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। इस बार खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, टिप्पा के थोड़ी सी रुक के आई थी, अपनी दिशा बदलना चाहते थे बंटी, असफल रहे, खेला था फाइन लेग की दिशा में, फील्डर प्रवीण वहां मौजूद थे और प्रवीण ने कुछ गलती नहीं की और पांचवें विकेट का पतन हो चुका है G7 स्ट्राइकर का, बंटी के रूप में विश्वजीत, जिसे बोलते विश्वजीत वापस चले गए हैं पेविलियन में और विश्वजीत का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नए बल्लेबाज करण। सफलता तो प्राप्त की है राहुल ने, रोक लगाई है रनों पर, पहली और दूसरी ओवर तो कंजूसी की चली गई थी, ज्यादा स्कोर नहीं बना था, उसके बाद पावर प्ले में यानी जो सावंत गौरव सावंत ने जो ओवर फेंकी थी उस ओवर में थोड़ा सा स्कोर आया था, उसके बाद इस ओवर में भी थोड़ी सी रोक लगी है, मतलब चंद गेंदें हो चुकी है, सफलता प्राप्त की है बंटी के रूप में। अक्षय भी वापस चले गए हैं पेविलियन में, अब आइए नए बल्लेबाज पहली गेंद का सामना करेंगे करण, अभी भी स्कोर रुका हुआ 29। हल्के से फील्डिंग में परिवर्तन भी होते हुए करण के लिए, कवर का फील्डर को भेज दिया है बाउंड्री लाइन पर, डिप कवर पर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लगाया हुआ है और पॉइंट पर फील्डर है।
बढ़िया गेंद और उस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है कुशवंत के रूप में। तब तक कुशवंत उस गेंद को गैदर कर रहे, मौका था दो बल्लेबाजों के पास, बढ़िया तालमेल के साथ दो रन पूरे किए और दो रन के साथ और दो रन का इजाफा हो चुका है जिस सेवन स्ट्राइकर के खाते में। स्कोर हो चुका है 41-41। तेजी के साथ जानकारी देते हैं स्कोर की, विनोद क्विक स्कोरर है, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में मोड़ दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गौरव सावंत वहां मौजूद हैं, लंबे तगड़े खिलाड़ी है ये, चुस्त खिलाड़ी है। एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 42 रन। और राहुल अब स्ट्राइक आया राइट हैंडेड बल्लेबाज योगेश के पास, फिर एक बार तैयार राहुल तलपन रिवर एंड से गेंद भाजी करते हुए, बढ़िया गेंद टिपा के थोड़ी सी नीचे रही, बल्ले का चुम्मा लेती हुई गेंद चली गई है कीपरों के दस्तानों में और छठवें विकेट का पतन हो चुका है जिस समय स्ट्राइकर का योगेश के रूप में। योगेश चले गए, टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का चुम्मा लिया गेंद ने और सीधी चली गई है कीपरों के दस्तानों में और आउट होके वापस, यानी छठवें विकेट का पतन हो चुका है जिस समय स्ट्राइकर का। और इस छठवें विकेट के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है और इनिंग समाप्त होने के बाद स्कोर है 42 रन निकाले हैं, 43 रनों का लक्ष्य रखा है चंदन तस्कर के पास जी सेवन स्ट्राइकर ने। या टूर्नामेंट जर एवरेज जर आम्ही काढली, यो चार टीमी जो खेलता क्वालिफायर मन चार चार टीमीतल्यान जर बॉलर आणि बॅट्समन जर पळे वचत जे टॉपर जे असत ते टॉपर बॅट्समन असे असत। अभय जो आसा तेजो स्कोर आसा 167 जो स इनिंगेतल्यान अभयान लीड केल्ले आसा 167 रन जेतूंक 21 सक्के आसात। 167 स इनिंगेतल्यान अभय जो 21 सक्की मारून टॉप आसा, तेजो इंडिविज्युअल तेणी 150 मारिल्ली आसा। दुसरे नंबरार जो आसा तो आसा नरेंद्र जेणी 127 स इनिंगेतल्यान 10 सिक्स वो नंबर दोनाचेर खेळटा, दोनाचेर आसा अजून पर्यंत। तिसरो जो आसा मॉन्टी जेचो स्कोर जाल्लो आसा 103 रन स इनिंगेतल्यान, 9 सिक्स मॉन्टीन मारिल्ले आसात। आनी चवथो जो एक हाफ सेंच्युरी, ह्या टुर्नामेंटाक जो दोन हाफ सेंच्युरी जाल्यात, एक अभयाली आनी दुसरी अक्षय भंडारीली। अक्षय भंडारीचो अजून पर्यंत स इनिंगेतल्यान स्कोर आसा 96 रन। अशे तरेन हे टॉप चार बॅट्समन जे आसात ते आपलो फॉर्म जो आसा तो आपल्याक नंबर वनाचेर वचपाक झगडटात। दुसरे सायडीन जर बॉलिंग लायनअप जर आमी पळोवपाक वचत, साहील भगत ऑन टॉप जो 10 विकेट घेवन 5 इनिंगेंतल्यान 10 विकेट घेवन साहील भगत टॉपाचेर आसा आनी तेजो जो रेट जो आसा इकॉनॉमी रेट जो आसा 9.12। दुसरो जो आसा रजत कोमरपंत G7 तेणीय बी 10 विकेटी घेतल्यात पूण तेजी इनिंग्स जी आसात त्यो 6 इनिंग्स आसात आनी तेजो इकॉनॉमी रेट जो आसा तो 9.50 आसा। नंबर 3 जो आसा अक्षय भंडारी जेणी अजून पर्यंत 7 विकेटी घेतल्यात आनी तेजो इकॉनॉमी रेट जो आसा 7.83 आनी तेजी फुडली सुवातेर जो आसा चवथो जो आसा तो गौरव सावंत। ही मॅच जी आसा ती मॅच अजून पर्यंत इन्क्लूड केली ना, नरेंद्र रेसिंग आयिल्लो आसा पूण ही मॅच अजून पर्यंत पहिलोच जो रिपोर्ट आसा हांगा। गौरव सावंत जो आसा तो 6 विकेटी घेवन अजून पर्यंत टॉपार आसा, अजून पर्यंत 4th नंबराचेर आसा, 8.83 इकॉनॉमी आसा। ह्या मध्ये आतांची जर इनिंग्स जी पहिली हाफ इनिंग जर जाली ती पळयत जर जाल्यार नरेंद्र मदीं घुशिल्लो आसा 3 नंबराचेर, इकॉनॉमी जी आसा तेजी अजून जावची आसा मागीर आमी दितात। पूण ह्यो ज्यो पहिल्यो मॅची ज्यो जाल्ल्यो तेजो जो अजून पर्यंत जो जाल्लो आसा आणि आणि एक 350 या टुर्नामेंटात झाले असा आणि उदय देसाई आणि 150 मारली असा या टुर्नामेंटात। सूर्य दुदा को नमस्कार करके और जाग्या देव को नमस्कार करके ये अकोदे का हाल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यू टॉप मनगन कि सौजन्य से ये अकोदे का हाल आप सुन रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं समालोचन के बिगबी और मनोरंजन का बादशाह, नाम है प्रवीण। कानकुन की राजधानी चावड़ी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बसा हुआ गांव हस्तिनापुर नहीं
दलेपुर से आया हुआ शख्स और सभी श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतर चुके हैं नरेंद्र और सजीत। स्ट्राइक लेंगे नरेंद्र और नौशक रन पर रहेंगे सजीत और पहली ओवर लेकर आए हैं कनकन की राजधानी चावड़ियन से गेंदबाजी का भार शिल्पेश के कंधों पर डाला है। ये मुकाबला जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता और अंपायर का इशारा आता हुआ। पहली गेंद खेली जरूर गई है लेकिन आत्मविश्वास उस बल्ले में दिख नहीं रहा है और निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी शिल्पेश द्वारा। और जो टीम जीतेगी तो निश्चित रूप से आपको यहां रेस्ट जरूर मिलेगा, फाइनल में प्रवेश करेंगे। और इस बीच जोरदार अपील, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर। आनंद कदम और दामू नायक इस टूर्नामेंट के अंपायर है और श्रोताओं को मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं, 3,500 से ज्यादा मैचों का अनुभव और उनके फलस्वरूप तीसरे अंपायर की कोई आवश्यकता नहीं। इस बीच शिल्पेश की अगली गेंद नरेंद्र के लिए और इस बीच कदमों का इस्तेमाल करके खेलने की कोशिश जरूर की थी लेकिन फिर एक बार आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था लेकिन अच्छी गेंदबाजी होती हुई शिल्पेश द्वारा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहला रन यहां जुड़ता हुआ और बच्चे यहां अपना दमखम दिखाने की सोच कर जरूर रहे हैं। इस बीच शिल्पेश की अगली गेंद इस बार सजीत के लिए और इस बार हड़बड़ाहट में खेला जरूर गया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। जब तक खिलाड़ी आकर उस गेंद को फील्ड करे थ्रो करे दो रन लेने का मौका हालांकि जरूर था और इस दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बने हैं पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई। एक रोमांचक मोड़ आ जरूर सकता है इस मुकाबले में, जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश कर जरूर पाएगा लेकिन दोबारा उनके पास मौका जरूर है जिस टीम को हार का सामना अगर करना पड़े। लेकिन इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद, करण उस गेंद के पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और सजीत के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी हुई जरूर लेकिन जिस तरीके से सजीत खेल रही है और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, हालांकि निश्चित रूप से गति में परिवर्तन उन्होंने किया जरूर। प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से इस गति की बात की जाए तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, सजीत इस बार गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाई और इस तरीके से एक ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बने हैं बिना नुकसान के चंदन तस्कर का स्कोर। और शायद ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी चलती हुई, हालांकि किस गेंदबाज को गेंदबाजी दी जाए, जिस तरीके से अगर रनों की बात की जाए 5 ओवर का मुकाबला और जिस तरीके से रन आपने उस तरीके से रन चाहिए थे वो रन बनाए नहीं, अच्छी गेंदबाजी हालांकि चंदन तस्कर की होती हुई और उनके फलस्वरूप जिस तरीके से 42 रन बनाए जरूर गए थे और 43 रनों का लक्ष्य रखा जरूर गया था और उनके फलस्वरूप हालांकि कप्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बढ़ जरूर रहा है और एक ओवर समाप्त होने के बाद 7 रन बने हैं और दूसरी ओवर लेकर आए कमेंटेड बॉक्स एंड से गेंदबाजी का भार रजत के कंधों पर डाला है इस बार। पहली गेंद डाली जरूर लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे एक रन, हालांकि पूरी तरह से शॉट खेला जरूर गया था बल्लेबाज ने लेकिन जिस तरीके से पूरी तरह से गैप में खेल नहीं पाया, उस शॉट में उतनी शक्ति नहीं थी लेकिन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बने हैं।
रजत फिर एक बार तैयार अगली गेंद साजिद के लिए। और इस बीच गति में परिवर्तन, परिवर्तन का फायदा गेंदबाज को लगातार यहां मिलता हुआ और वही सही सोच रजत द्वारा। हालांकि निश्चित रूप से लाइन और लेंथ के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपने अपने आपकी टीम ने रन कम जरूर बनाई गई है और लाइन और लेंथ आपके लिए बहुत मायना रखेंगी। इस बीच रजत की अगली गेंद और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेला हुआ शॉट, कोई मौका नहीं 6 रन के लिए और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राज छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। हालांकि गेंद काफी बाहर जा चुकी है, शायद कहना पड़ेगा अमिताभ बच्चन को यहां माजा पिलाना पड़ेगा, तब गेंद ग्राउंड पर आ सकती है। और शायद हम कहना चाहेंगे श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये हमारे लिए बहुत मायना रखेंगी क्योंकि मनोरंजन के बादशाह के रूप में हम जाने जरूर जाते हैं और वही सोच विचारधारा के साथ हम इस कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन अभी तक अमिताभ बच्चन को माजा पिलाई नहीं गई और इनके साथ खेल थोड़ा सा रुका हुआ और आखिरकार गेंद आती हुई 15 रन अब तक बने हैं छक्के की सहायता से। ये मुकाबला जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता, अब तक 15 रन बना चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, रजत फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। और इस बार भी कदमों का इस्तेमाल किया जरूर, लेकिन इस बार जमीन के सहारे खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने है। इस बीच अगली गेंद सचित के लिए, छोटे कद के खिलाड़ी सचित है जरूर लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे, लेकिन लगातार कोशिश कर जरूर रहे हैं। लेकिन आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, लेकिन उसमें दिल का क्या कसूर। और उसी तरीके से बल्ले का क्या कसूर है। और इस बीच शॉट को खेला जरूर गया है लेकिन तब तक सिर्फ 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। आप कहीं मत जाएंगे, हम लौटेंगे एक छोटे से पानी ब्रेक के बाद। राजबाग तारिक कैप्टन और पालोलेम वॉरियर्स कैप्टन यहां टॉस के लिए आएगा। हेलो, दोनों कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा और टीम 11 आप लेकर आ जाएगा। जिस तरीके से कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले में खेला जाएगा उनका नाम दर्ज करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि हम खिलाड़ी को जानकारी दे रहे हैं और अंपायर निश्चित और पावर बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। तीन खिलाड़ी को सिर्फ बाहर आप रख सकते हैं और बैटिंग पावर प्ले ली जरूर गई है और ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के लिए। प्रारंभिक जोड़ी अभी भी क्रीज पर डटी हुई है, नरेंद्र और साजिद 16 रन अब माफ कीजिएगा 18 रन बने हैं 2 ओवर समाप्त होने के बाद। पावर प्ले की ओर बल्लेबाजों के लिए एक खुशी का माहौल जरूर रहता है लेकिन गेंदबाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव। आप लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी और थोड़ी सी हड़बड़ाहट यहां होती हुई। तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी का भार बंटी के कंधों पर डाला है
और बंटी तब पास होगा जब आप रन कम यहां देंगे। और पहली गेंद डाली जरूर गई है नरेंद्र के लिए, अच्छी गेंद नीचे रहती हुई। और इस बीच फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा बंटी दो पेपर में यहां पास हो जरूर चुके हैं। पावर प्ले की ओवर के हिसाब से अगर देखा जाए दो पेपर में आप पास हो चुके हैं। बंटी फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सजित के लिए, लेकिन फिलहाल नरेंद्र यहां बल्ला चेंज करना चाहेंगे। और जिस तरीके से सही सोच हर बल्लेबाज अपना, और शायद कहना पड़ेगा हर बल्लेबाज के लिए अलग अलग विचारधारा। और यहां फुल टॉस गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग होती हुई, काफी शानदार फील्डिंग रजत द्वारा, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं। एक मौका हालांकि सजित के पास जरूर था। इस बीच बंटी की अगली गेंद नरेंद्र के लिए, और बहुत अच्छी गेंद, चार पेपर में आप पास होंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए यहां गर्व की बात है। बंटी द्वारा और इस बीच और गेंद डाली जरूर गई है बंटी ने। एक बीच एक रन कर चुके, दूसरे रन की गुंजाइश, खतरा, और इसके साथ आउट। और काफी शानदार गेंदबाजी बंटी द्वारा, एक इस तरीके से मनोवैज्ञानिक दबाव यहां बढ़ता हुआ। एक मिनट प्रवीण, या मैची फाटल्यान जी मैच जातली ती दुसरी मैच ते म्हणल्यार राजबाग तारीर वॉरियर्स आणि पालोले वॉरियर्सच्या मजगतीक हांव दोनू कॅप्टना लागे मागता की टॉस करपाक पॅवेलियना मुखार येवपाक विथ प्लेइंग 11। धन्यवाद मंगेश जी। और जिस तरीके से देखा जाए, और मेरे साथी कमेंटेटर संदीप पागी जी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते होंगे जिस तरीके से यहाँ अगर रोड की बात की जाए थोड़ी सी यहाँ रोड पूरी तरह से खराब जरूर हुआ है, हालांकि निश्चित रूप से उनको देर जरूर हुई है और इस बार ये मुकाबला जीतने के लिए और गौरव आए हैं, लेकिन फिलहाल नौशाकरण पर रहेंगे। और इस बार एक खिलाड़ी को निश्चित रूप से आपको अनिल कपूर बनना ही पड़ेगा। और नरेंद्र के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का, रुके ना तू झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास। और शायद कहना पड़ेगा बंटी अंतिम पेपर में फेल हुए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं। और अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। चंदन तस्कर को ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 12 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंदबाजी बंटी ने की जरूर गई थी, हालांकि हमने पहले ही जिक्र किया था, लेकिन नरेंद्र के अंतिम शॉट जिस तरीके से लगाए, और शायद ये मुकाबला एक निश्चित रूप से एक अलग मोड़ पर आता हुआ। और टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में अगर गेंदबाज की अगर बात की जाए, उतार चढ़ाव हर होवर में देखने को श्रोताओं को जरूर मिलता है, और वही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला। हालांकि निश्चित रूप से बंटी ने 5 गेंदें अच्छी डाली जरूर गई थी, लेकिन अंतिम गेंद उनके लिए यहां संजय दत्त बनती हुई, खलनायक होती हुई, लेकिन फिलहाल चौथी बॉल लेकर आए हैं अक्षय। ये बल्लेबाज गौरव के लिए, और इस बीच पहली गेंद डाली जरूर गई है, अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छी गेंद मानी जरूर जाएगी, लेकिन गति यहां दिखाते हुए अक्षय, अब भी खतरा टला नहीं। इस बीच अगली गेंद,
और यहां थोड़ी सी फुलटास होती हुई गेंद और यहां नतीजा आपके सामने यहां दिखता हुआ 6 रन के लिए और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं। सिर्फ 10 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए चंदन तस्कर को और इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश करने के लिए 10 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता और निश्चित रूप से कहना पड़ेगा गेंदबाज के लिए थोड़ी सी परेशानी यहां होती हुई। और इस बार वापसी यहां होती हुई हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। उतार चढ़ाव और दोनों टीमों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा यहां टॉस के लिए आएगा। हेलो और निश्चित रूप से अक्षय की अगली गेंद और फिर एक बार फुल टॉस डाली हुई गेंद गिफ्ट के रूप में आप गेंद डालेंगे तो निश्चित रूप से वही नतीजा यहां दोबारा होता हुआ और गौरव के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू झुके ना तू अंदरूनी शक्ति है तेरे पास और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन बने हैं। सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता चंदन तस्कर और शायद इस बार गति में परिवर्तन हालांकि कलाएं के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है सिर्फ 1 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है लेकिन फिलहाल अक्षय थोड़े से निराश दिख जरूर रही है। 3 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतकर फाइनल में प्रवेश करने के लिए दोबारा मौका हालांकि इस टीम को जरूर है हारने के बावजूद। और इस बीच आखिरकार मिनिंग शॉट खेलता हुआ और इस तरीके से यह मुकाबला आसानी से यहां जीत चुके हैं और फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं चंदन तस्कर। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएंगे मिस्टर नरेंद्र और आगे का हाल मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागी जी आपको सुनवाएंगे। तब तक के लेते एक छोटा सा ब्रेक। सेकेंड मैच जी जाता ती पालवले मॉरियर्स वर्सेस राजबाग तारीर। पालवले मॉरियर्स वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पालवले वॉरियरान टॉस जिंकून पहले फिल्डिंग करपाचे ठरेला। ही जी मैच जी जातली ती जिची टीम पालवले वॉरियर्स अंबेश पागी ओनर आणि राजबाग तारीर वॉरियर्स हेजा गणेश मडगांवकर या दोन टीमीच्या ओनरामध्ये आता झूज जातली। मॅच फायनली कोचपाचो जो युथ ऑफ मनगण या टुर्नामेंट जो काणकोण नगरपालिका चषक 2022 वो कोण उखलतलो हे बरोबर 5 वरांचेर हांगा ठरतले। पूण एक चान्स घेवन चंदन तस्कर पहिले फायनली कोचपाचो मान जो आसा पालवले काणकोण नगरपालिका चषक 2022 युथ ऑफ मनगण जे तारी चषक जे आसा ते कोण उखलता हे आम्ही पळूया। पहिलो टीम जी आसा ती कन्फर्म झाली आसा। हांव खरंच ह्या माचेवेल्यान म्हाका दिसता की नरेंद्राचे अभिनंदन करपाक जाय। गेले 2 दीस नरेंद्र आपलो परफॉर्मन्स जो आसा तो एक सारखो दवरन एक मोठ्या मॅचीक एक मोठो चषक आनी मोठी मॅच जी आशिल्ली एक जबाबदारीची इनिंग हांगा नरेंद्रान खेळ्ळो आनीक खुशवंत भगताक तेणी फायनलीक वचपाचो मान जो आसा तेच्या टिमीक दिलो नरेंद्रान मॅन ऑफ द मॅच म्हणून तेका हांगा मनयले वता। हांव नरेंद्राक परबी दिता तूं जंप जावन मातसो वयर आयिल्लो आसा बॅटिंगेक पळयात
बॉलिंग परफॉर्मन्स तुझ कसो वत्त पळूया आणि मागे ठरूया. कॉंग्रेच्युलेशन नरेंद्र. कोण दिलो मागता की चंद्रास पागीन मेन ऑफ द मॅचचे इनाम देऊचे. नरेंद्र आज परत एक फाउट तू मेन ऑफ द मॅचचो मानकरी जाता. एक सुंदर पीच जी आसा ती हांगा केल्ली आसा आनी एक मोठें डॅरिंग जें आसा तें रमान आनी तेचे वांगडी जे मणगणचे यूज जे आसा तेणी केल्ले आसा. ह्या वर्साचो हो नगरपालिका चषक जो आसा त्या चषकाक तूं झुजता अजून पर्यंत. हांव म्हणना मॅन ऑफ द सिरिजा वचत, बॅट्स बॅट्समना वचत, बॉलिंगे वचत, पूण तूं दोन नंबराचेर आज जंप अप जाल्लो आसा. तुका परबी दिता आनी कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या मॅन ऑफ द मॅचा बद्दल? मॅन ऑफ द मॅचा बद्दल कांय म्हणपाक शकना, पूण एकूच कितें आसा की चंदन तस्कर विजेती जावपाक जाय. कित्याक आमी स्टार्टींग दोन गेमी हरले पूण बॅक टू बॅक सगळो पर्फोमन्स दिवन आमी आज फायनली पावले आसा. आनी थँक्स टू ऑर्गनायजर की इतलो बरो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. कित्याक काणकोणान हो मुन्सिपाल्टी लेवलाचो फस्टूच ऑक्शन बेज आनी असोच टुर्नामेंट फुडें जावचो अशेंच मागणी तांचे कडेन. बेस्ट ऑफ लक नरेंद्र तुका फुडले मॅची खातीर, फायनल मॅची खातीर. देव बरें करूं.